وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानशमंद लोग इसकी आयतों में गौर वफिक्र करें और नसीहत हासिल करें कराम अलक्म वरम्बर सामने कराम सूर्य बकरा दर्श नंबर एक सौ सैंतालीस आयत नंबर एक सौ बहत्तर आज का मौजू क्या हमने जन्नत के अवज़ दो जख् को ख़रीदने का माह कर लिया है इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्त सबक का इदा होगा पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की

अलही आबा अबाला खिलू नद और जब उन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब खुदा ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं नहीं बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया भला अगरचे उनके बाप दादा न कुछ समझते हों और न सीधे रस्ते पर हों तब भी वो उन्हीं की तकलीद किए जाएंगे वो मतलब जो लोग काफिर है उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ सुन न सके ये बहरे है गूंगे है अंधे हैं के कुछ समझ ही नहीं सकते रविन करम सूर्य बकरा आयत नंबर एक सौ बहत्तर लफ्जी तर्जुमा या यूह लजीना मनु एमान वालो कुलू खाओ मिन तो बात माँ रजक नाकुम उन पाकिज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता की हैं वश्रोल्लाकुन तुम इयाहु ताबदून और अल्लाह की बंदगी करो अगर तुम उसकी आ, बंदगी कर, करने वाले हो साम अहम आयत है और इसमें अल्लाह ताला मैंने आपको अर्ज़ किया था ना कि अल्लाह ताला की बंदगी के पास बाद बाकी ज़िंदगी तो अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारनी होगी मोमिनों को तो मोमिनों के लिए अल्लाह ताला हिदायत दे रहे हैं कि देखो तुम जो खाओ पियो जो कुछ भी मैंने तुम्हें पाक साफ चीज़ें दी हैं तो उसमें से खाओ यानी खाने पीने में कोई ममानियत मौ, नहीं है लेकिन असल बात जो है वो शुक्रिया है अल्लाह का इन कुंतुम इयाह तबून अगर तुम बंदगी करने वाले हो तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करके ज़िंदगी गुजारो देखें शुक्रिया इसके बारे में मैंने अर्ज़ किया भी था कि असल चीज़ जो है वो शुक्रिया है इंसान दुनिया में आके होश संभाल के या तो ना शुक्री की रबिश इख्तियार कर लेता है और या शुक्र गुज़ारी का तरीक़ा इख्तियार कर लेता है और ये बात भी नोट कर लें सामन इकराम के इंसान की कामयाबी जो है वो शुक्रगुज़ारी में है शुक्रगुज़ारी क्या है इसकी मैंने तफसल बयान की भी है दोबारा मुख्तर तौर पे मैं आपको बयान करूँ देखें शुक्रगुजारी एक शु... और ये बात भी मैं इब्तई तौर पे आपको कह दूँ कि दो ही तरीक़े हैं जिंदगी गुजारने के या आप शुक्र करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे या ना शुक्री करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे लेकिन अल्लाह ताली की हिदायत यह है कि ली वला तकफुरून कि देखो तुम मेरा शुक्रिया अदा करो और ना शुक्रिया ना करो तो ना शुक्री ना कदरी और शुक्रगुजारी गुज़ारी इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ देखें नेमत का नेमत का सही इस्तेमाल तीन दर्जे हैं शुक्र, शुक्र के एक तो मुन की नेमत का कायल होना मुन का कायल होना उसकी न्यामतों का एहसास करना एक दर्जा पहला दर्जा ये है फिर जो न्यामत अल्लाह ता ताली ने आपको दी है उसकी न्यामत को बजा तौर पर इस्तेमाल करना फिर तीसरा दर्जा यह है कि आप ज़ुबानी तौर पर भी अल्लाह ताली का शुक्रिया अदा करें शुक्रिया करते हुए जो है ज़िंदगी गुजारें ज़बानी तौर पर भी अमली तौर पर भी और ज़बानी तौर पर भी तो तीन दर्जे हैं और ये बात भी नोट कर लें कि अल्लाह इंसान को जिस मक़सद के लिए पैदा किया है इसको वो तभी हासिल कर सकता है कि जब वो अपनी ज़िंदगी शुक्रगुजारी में गुजार दे जिन्हें नेमतों को बजाय इस्तेमाल करे, मुन का एहसास करे नेमत को ज़ाया ना करे और ज़बानी तौर पे भी अल्लाह त शक्रिया अदा करें ये तीसरा दर्जा है आखिरी और तीसरा बहरहाल देखें अब मैं आपको शुक्रगुज़ारी का एक और मफहम बताता हूँ जो यानी इसके मु, अल्फाज मुख्तलिफ हैं चीज़ ये ये अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और ज़िंदगी दी है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला की नमत में हैं यानी आप देखें न, हम अल्लाह ताला की न्यामतों में डूबे हुए हैं ज़िंदगी बजाय ख़ुद अल्लाह ताली की एक बहुत बड़ी न्यामत है फिर दुनिया में जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सारी अल्लाह ताला की हैं अल्लाह ताला ने आपको दी हैं बतौर अमानत के दी हैं लेकिन इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं लेकिन इनका बजाय इस्तेमाल ये है कि दुनिया को आप आखिरत के लिए यूज़ करें यानी आखिरत को मंजिल समझ कर और अल्लाह को मकसद हयात बना कर आप ज़िंदगी गुजारें और दुनिया को आखिरत के लिए इस्तेमाल करें आखिरत को दुनिया की आ, नहीं दुनिया को आखिरत की कामयाबी के लिए गुजारें आखिरत से यानी दुनिया के मुकाबले में आखिरत को महबूब रखें जाहिर है कि आखिरत हमारा घर है ना सामने क्राम घर जो है वो हमारा आखिरत है तो आखिरत वर्जुल योमल आखिरत व इन दार लहियल हयावन असल ज़िंदगी आखिरत की है यानी इस ज़िंदगी के बाद ये तो यानी एक ज़िंदगी तो है लेकिन ये बहुत ही आर्जी है कम है और मतान कलील है थोड़ा सा फ़ायदा उठाना है यह कलील कलील सुम अल हुकुम फिर मेरी तरफ वा, वापस लौट के आओगे असल ज़िंदगी जो शुरू होगी तो वो हमारे आँखों के बंद होने के बाद शुरू होगी जब हमारे जाहिर की आँखें बंद होंगी तो बातिन की आँखें खुल जाएंगी पर्दे हटा लिए जाएंगे फ़कशफ़ नान का गता का फ़सर वकियो महदीद आज तेरी नज़र से मैं वो पर्दे हटा लूँगा आज तेरी नज़र तेज़ होगी तो इस जो आयत नंबर एक सौ बहत्तर है इसमें मज़मून क्या है इसमें मजमून यह है कि वशकुरू लाकन तुम इयाहु ताबुदून अगर तुम बंदगी करने वाले हो तो अल्लाह की नेमतों को जाया न करो बल्कि उसका शुक्रिया अदा करो बजा इस्तेमाल करो ये इस आयत का मफूम है अब आयत नंबर एक सौ तिहत्तर का लफ्ज़ी तर्जुमा हर्रम अलैकुमुल कुमुलतः बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर हराम कर दी है मुर्दार यानी जो अपनी मौत आप मर जाए वो जानवर जो अपनी मौत तबई मौत मर जाए वो हराम है वदमा बहता हुआ ख़ून बलह ख़ंज़ीर और ख़ंज़ीर का गोश्त वमा उहल्ला बिही लैरल्ला और वो जानवर जो बाह किया गया गैरुल्लह के नाम पे यानी अल्लाह के नाम के अलावा अगर बाह करते वक्त किसी और का नाम लिया गया तो वो हराम है वो खाना नाजायज़ है मुर्दार है फमनज़ तुर्रा अगर कोई मजबूर हो जाए यानी ये सारी चीज़ें तुम इस्तेमाल कर सकते हो हालत यानी जब तुम मजबूर हो जाओ गैरबा वाला आदन ना बगावत के ख़याल हो तुम्हें यानी नाफ़रमानी का इरादा ना हो ना ज़्यादा खाओ ज़रूरत से ज़्यादा ना इस्तेमाल करो और अगर तुम ऐसा करोगे कि बवक्ते ज़रूरत बदर ज़रूरत खाओगे तो फ़ला इस माले, फिर तुम पर ये चीज़ें गुनाह नहीं हैं इनको खाना यानी असल ज़िन, यानी मकसद ज़िंदगी बचाना है वो ज़्यादा अहम है आ, कभी ऐसा मौका आ जाए तो तुम ये इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन बवक्त ज़रूरत और इन अल्लाह गफ़ूर रहीम बेशक अल्लाह ताला फिर गफ़ूर रहीम है तुम्हारी इस पर कोई पकड़ नहीं होगी बहरहल साम्य हराम क्या है देखें हराम जो भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरी की है तो वो चीज़ें हराम हैं यानी ये चार ये चार चीज़ें तो यानी इस आयत में तो चार चीज़ें हराम हैं लेकिन फिर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मत और और चीज़ें भी हराम की हैं क्योंकि वो इशारे हैं और तफसील इसकी बयान की है वो तो फिर हदीस की किताबों में है और जो भी है और हमें मालूम है कि मिसाल के तौर पर लह में खंजीर है लेकिन जो घरेलू गधे हैं वो भी हराम है कुत्ता नजिस है वो भी हराम है और इसी तरह हर जो शिकारी जानवर है पंजों वाला नाख़लों वाला वो भी हराम है शेर हराम है तो बहरहाल क़ुरान और सुन्नत यानी अल्लाह का हुक्म और रसूल का फरमान ये दोनों चीज़ें हराम करने वाली यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसकी तशरी है और तशरी में जो भी चीज़ें हराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं वो भी हराम हैं तो इसमें ये चार चीज़ें हैं लेकिन फिर इसमें रियायत भी है कि हालत इसतरार में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ब़द्र ज़रूरत यानी अगर सौ ग्राम पर आपका काम होता है तो आप 200 ग्राम ना इस्तेमाल करें ज़्यादा ना इस्तेमाल करें तो फिर उस सूरत में अल्लाह ताला ने माफ़ी दी है और यक तमून दूसरी बात कि वो लोग जो छुपाते हैं मा अनजल मिनल किताब, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है किताब में से वशतर बही समलीला और इसके अवज़ कलील मफाद आ, खरीदते हैं वैश्तरू न भी समनन कलीला यानी हकीर क़ीमत इसके बदले में हासिल करते हैं वो आ, क्या है वलाय कमाए माया नफी न फ़ी बतून हिम वो लोग सिवाय अपने पेटों में आग भरने के कुछ नहीं कहते माया क्लून नहीं कहते फ़ी बुतून हम अपने पेटों में नार अगर कोई ऐसा करे तो वो आग खा रहा है वला युकल अल्लाह और अल्लाह ताला उनके साथ बात नहीं करेगा क़यामत के दिन वला युजी हिम और न इनको पाक करेगा यानी गुनाहों से वलहुम उन अलीम और इनके लिए दर्दनाक आज़ाब है सबन करम चले एक आज का और भी तर्जुमा कर दूँ फिर इनशा बात करेंगे मुलायल लजीन अशतरब तबिल हदा ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीद ली गुमराही हिदायत के अवज़ वाज़ाब बिलमखरा और बख्शिश के अवज़ अजाब को इन्होंने कबूल कर लिया फमा असबरह आल नार पया फिर आ, यानी आ, किस चीज़ ने इन्हें आग पर सब्र करने वाला बना दिया है फमा आलन्नार, यानी इन्होंने अपने लिए दोज़ख़ को पसंद कर लिया और जन्नत को पसंद नहीं किया और आग अपने लिए पसंद कर ली बहरहाल ये आयात जो हैं सामिन लजीन एक तमूना आयत नंबर एक सौ चौहत्तर पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें देखें अल्लाह ताला के अहकाम को छुपाना और छुपाकर हकीर मफाद ले लेना ये भी हम मुसलमानों का तुर्र इम्तियाज़ है देखें हक़ तो हम जानते हैं लेकिन हक़ को छुपाते हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है जो शरीयत मा अनसल्ला मिनल किताब यानी जो शरीयत अल्लाह ताला ने नाजिल की है जो लोग अब ये देखें मज़मून हमारे लिए है और हमारे लिए इसमें अबरत है देखें किताब ये क़ुरान जो है किताब हिदायत है और ये हृदलम है और इसमें हमारे लिए हिदायत है तो ये ना समझें कि ये इसके आयात के मुखादब फ़लाँ कौम थी फ़लाँ कौम थी ये उनके लिए है वो जाने और उनका काम जाने वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं इन उनसे अल्लाह अल्लाह त्यामत के दिन बात नहीं करेगा और इनके लिए दर्दनाक आज़ाब है ये हमारे लिए जनाब ये हम मुसलमान हैं जो छुपाते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें यानी किताब में नाजिल किया है इसका दायरा कार बड़ा वसी है आवाम में भी है और में भी है जो किताब को जानते हैं और फिर किताब की हकीकत को छुपाते हैं जैसा कि उस दौर में जब क़ुरान नाजिल हो रहा था ये सूर्य बकरा आ, मदनी सूरत है और सोलह सत्रह इसका शान नजूल है सोलह सत्रह महीने हिजरत के बाद तो जो अहल किताब थे वो जानते थे कि हज़ूर सल्ला वम हक़ नबी हैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया और क्या था क्या ज़िद्द और हट दर्मी तो ये तो उस ज़माने के था लेकिन आज भी यही बात है सामने करा मैंने आपको बताता रहता हूँ कि रिश्वत लेना देना हराम है कि हलाल है ज़ाहिर है कि हराम है ना जायज माल खाना हराम है लेकिन ये सब आज हम तुले में यानी इस पर बड़ा फ़खर महसूस करते हैं नौकरियाँ ऐसी तलाश करते हैं जहाँ पर रिश्वत हो बालाई मदनी हो पहले अभी तो मुझे पता नहीं है लेकिन पहले इनकम टैक्स के ऑफिसरों का बड़ा जो है आ, बड़ा माल कमाते थे बालाई मदनी ज़्यादा थी लोग उनको रिश्ते देते थे यानी ये, ये अपनी हालत को देख लें आप ये हमारी कौम की हालत कि जो हराम की कमाई ज़्यादा कमा रहा है अपनी बेटी हम उसको देंगे कि हमारी बेटी खुश रहेगी ये हमारी वो ज़हनीत है असल में अगर मुझे आप एक बात कहने दें तो हमने ये यानी अपने लिए यानी हमें तो पता है या नहीं पता लेकिन शोरी या गैर शोरी तौर पे हमने अपने लिए दो जख आखिरत में दो जख का इंतख्य कर लिया है कि हमने दो जख जाना है अब उसके लिए हम माल हराम भी कमा रहे हैं आप देख लें यानी मैं तो सरकारी ये रिश्वत और करप्शन तो चलो महकमे में है लेकिन आप देख लें अपने कारोबार को देख लें कल ही मैंने एक माल्टों की पेटी ली तो उसमें जो अच्छे अच्छे माल्टे थे फिर मैंने उसको कहा जिससे मैंने पेटी ली तो भाई ये मुझे तुम बोरी में डाल दो तो अब उसमें चार पांच तहें थी मालटे थे चार पांच तहें थी ऊपर वाली तह बागबान ने जो है खूब सजा दी थी जो ताज़े मालटे थे जो अच्छे मालटे थे तो वो ऊपर की तह में अच्छी लग रही थी वो तो मैंने ख़रीद ली और फिर उससे पूछा भी कि भाई इसकी तह में भी है ये उसने कहा हाँ जो बेच रहा था हालांकि उसको पता था कि बागबान जो है वो ऐसा करते हैं के माल ऊपर सही लगाते हैं नीचे जो है आ, तो वो जब मैंने पेटी थैली में डलवाई बोरी में तो वो नीचे जो है वो यानी पुराने और ऐसे ख़राब से जो मालटे थे वो नीचे थे और अच्छे मालटे उसने ऊपर अच्छा तो सारा वो दिख रहा था लेकिन नीचे जब खोली अब ये है ना कि ये आप देखें ना हम तो असल में ये हिदायत कुरान की हिदायत को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश ही नहीं करते और कुरान के बारे में ये है कि इम्मा लकब व इम आले का या आप यह आपके हक में गवाही देगा या आपके खिलाफ गवाही देगा अब यानी जो बेईमानी है और आप दुनिया के मफाद को ख़रीद रहे हैं और आखिरत के मफाद को बेच के यानी अपना उखर भी नुक़सान करके दुनिया के मफा को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया माया क्लू नफ़ी बतूल्नार ये एक बड़ी पेचीदा सी सूरत हाल है जिसमें हम आ, हम लोग इस वक्त देखें ये आयत जो है ये सिर्फ जो है यानी ये इस सारे मामले में हम गिरफ़्तार हैं सामने का असल में हमने सौदा कर लिया है कि आयत नंबर एक सौ पचहत्तर का जो है वल तबिलहदा अबिल मखफ़रा फमा असबरह आल नार अल्लाह ताल तजुब कर रहा है कैसे इन्होंने दो जख़् का सौदा कर लिया है। हमने मुझे कहने दें कि हमने यानी दर हकीकत असल में तो ये है ना कि हमारा तो आखिरत पर ईमान ही नहीं है ना दोबारा ज़िंदा होने पे है ना हशर पे है न दोज़ख़ पे है न जन्नत पे है ये मुझे कहने दिया देखें अगर हमारा यकीन होता तो हमारी ज़िंदगी कुलियतन मुख्तलिफ होती उस ज़िंदगी से जो आज हम गुजार रहे आज तो टोटली हमारा रुख जो है वो ज़ाहिर की तरफ है और हमने आखिरत को के बदले दुनिया का सौदा कर लिया है आखिरत के बदले क्या है यार आखिरत तो है ही नहीं यकीन उसमें हमने तो बस दुनिया ही लम युरिद इल्ल हयात दुनिया और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ये हिदायत की है कि तुम ऐसे शख्स का कहना न मानना जो मेरी याद से फिर गया फ आरद आमन तवल्ला ज़िक्र ना वलम यिद अल हयात दुनिया मेरी याद से फिर गया मुझे उसने बुलाया दिया है दुनिया की जिंदगी में अब ये चाहता क्या है लम यद अल हयात दुनिया दुनिया ही की ज़िंदगी का तालिब है बहुत यानी एक बहुत बुरी सूरत हाल है जिसमें आज हम सब मुबला हैं सामने का क्या वो रेडी पर सौदा फरोख करने वाला और क्या आपका वजीर आजम या जो तमाम अहदे आपके ऊंचे ऊंचे हैं सारा एक ही रंग में रंगे हुए दुनिया हाय दुनिया दुनिया हाय दुनिया ये एक बहुत यानी आप हो सकता है इसको महसूस ना करें लेकिन कोशिश करें हम सब जो है दुनिया के यानी दुनिया के रंग में रंग लिया है हमने अपने आप को मैं कोशिश करूँ कि ज़्यादा सख्त अल्फाज ना इस्तेमाल करूँ और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ जिसको आप दुनिया के रंग में रंगे हुए हम लोग दुनियादार हैं हमें तो अल्लाह वाला होना चाहिए था वला किनकनों रब बानी अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ रब वाले बन जाओ लेकिन हम दुनिया वाले बन चुके हैं एक एक यानी देखें ख़ास जो शरीयत ज़ाहरी शरीत के पाबंद लोग भी हैं वो भी दर हकीकत दुनिया ही के रंग में रंगे हुए यानी हक़ जो है वो हम कबूल करने के लिए तैयारी नहीं है अब देखें मैं फ़िरक़ों की बात करता हूँ हर फिरका कहता है कि हम वो नाजिया हैं दूसरा जो है वो मुशरक़ है वो काफ़िर है वो जन्नत ही नहीं है मिसाल के तौर पर दुरूशरीफ़ की फ़जीलतें हैं मिसाल के तौर पर द्रोशरीफ़ की फजीलतें हैं या आ, कि भई दस गुना माफ़ हो जाते हैं दस दर्जा बुलंद हो जाते हैं और दस यानी वो तीन है ना दस गुना माफ़ हो जाता है दस नेकियां लिखी जाती हैं और दस दर्जे बुलंद होते हैं लेकिन हर फिरका कहता है कि हमारे फ़िरक़े में पहले आओ तो फिर तुम्हें सवाब मिलेगा वरना तो तुम मशरक हो और काफिर हो आज देख लें आप देवबंदी है बरेलवी है शिया है अहले हदीस है ये सब जो हैं एक दूसरे की तकफीर करते हैं और दूसरे को मशरक समझते हैं कादियानियों को तो निकाल लें उनका तो उन्होंने अपना रुखी बदल दिया ना उन्होंने तो अपने लिए नबी भी दूसरा ढूंढ लिया इनको छोड़ें लेकिन जो एक नबी एक क़ुरान एक अल्लाह के मानने वाले हैं वो कहते हैं कि हम हमारे फिर में आओ तो तब तुम ये तमाम फ़वाद तब तुम्हें हासिल होंगे वगरना तुम जहनमी हो ये देखे मैं आपको नाम ले रहा हूँ ना दोबारा तो मैं नहीं लेता जो भी आप फ़िरका है वो कहते है, पहले हमारे फ़िरक़े में आ जाओ तब तुम्हें ये सारे स्वाबात मिलेंगे और दूसरे भी फ़िरक़े में होगे तो वो तो फ़िरका तो है ही वो तो सारा गुमराह है ये हमारा जो है ये खैर ये हमारे जो फ़िरक़ा परस्ती वाले लोग हैं तो वो इस तरीक़े से हैं लेकिन आ, ये मजमून जो है ये ये आम है में निकल हमने मिन हैसल कौम आखिरत हिदायत के केवज़ गुमराही का सौदा कर लिया है ओलायक बिलहदा वल अजाब बिलमरा और अजाब हमने पसंद कर लिया है बख्शिश केवज़ अल्लाह की बख्शिश अल्लाह की जन्नत इसकी हमें कोई चाहती नहीं है देख लें आप सारा माशरा देख लें दुनिया के रंग में दुनियादारी के रंग में रंगा हुआ है। हर शख्स दुनिया में एक दूसरे से आगे चलना चाहता है और दुनियावी ख्वाहिशात हैं सारी हमारी अजाब वो जन्नत और बख्शिश रब की अल्लाह ताला ने तो इसकी तरफ दौड़ने का हमें हुक्म दिया है सारी उला जन्न इला मखफरत मब व जन्न अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ एक दूसरे से बाजी ले जाओ एक दूसरे से सबकत ले जाओ लेकिन हमने जन्नत के अवज़ आखिरत की कामयाबी के अवज़ दुनिया की कामयाबी का सौदा कर लिया है ये इंतहाई मैं नरम अल्फाज कह रहा हूँ ताकि आप समझ लें और आप भड़के नहीं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दुनिया के मफादात हमें ज़्यादा अजीज़ हैं उरबी मफादात से या अल्लाह की रज़ा के मुकाबले में हम अपनी मर्जी चाहते हैं वो घर में बैठी हुई खातून ने खाना है उसको भी कोई परवाह नहीं है कि मुझे क्या अल्लाह के रसूल ने तरकीब बताई है खावन की आ, से सलूक करने की उसको कोई परवाह नहीं है। उसको कहती है, मैंने मेरी मर्जी आई है मैं कैसे चाहूँ वैसे सलूक करूँगी तो ये सारी एक सूरत हाल है और बड़ी दुख वाली है <स्थाथ> फमा असबर हम आल किस तरीक़े से ये राज़ी हो गए आँख पर अल्लाह तजब का इजहार कर रहे हैं और ये तो दुनिया में तो हो ही नहीं सकता सामिन इकराम महाराज इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे अभी आ, मैं तलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए आउज बिल्लिबिन बसमिल्लर या अय्यूदीन आमनु तर्जुमा सुना रहे सामने काम क्योंकि वक्त अख्तकाम पजीर है ए ईमान वालों कुलू मिन तो ये बात है खाओ पाक साफ माँ रजक नाकुम जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है वश करु वश बश करोल्ल है शुक्रिया अदा करो अल्लाह का इन इनकन तुम ईया हो ताबुदून अगर तुम उसी की बंदगी करने वाले हो इन न महरमा को हराम कर दिया है अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार वद्दमा खून बहता वल्हमल ये खून के बारे में यही है कि जो खून ब्बाह के वक्त बहे वो हराम है बाक़ी गोश्त वग़ैरह पे अगर लगा भी हो तो वो हराम नहीं होता खनजीर खनजीर का गोश्त हराम है गैर-अल्लाह और जो हलाल किया जाए जो बाह किया जाए बग़ैर अल्लाह के नाम के फमनस्तुर गैर बाग़िम वाला आदिन जो मजबूर हो जाए जो बगावत करने वाला ना हो और न ज़्यादती करने वाला हो तो उसको ज़रूरत के वक्त बदद्र ज़रूरत इस्तेमाल करने में कोई गुनाह नहीं है अल्लाह रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने बात मेहरबान है अल लज़ीन एक वो लोग जो छुपाते हैं मा मिनल किताब जो अल्लाह ने नाजिल की है किताब यानी अल्लाह ताला के अहकाम को छुपाते हैं वैश्तरू नबी समन कलीला और अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करके दुनिया का हकीर मफाद हकीर मफाद को तरजीह देते हैं तो इस तरह जो फ़वाद वो हासिल करते हैं उलाए कमाए कुली बुत नार ये वो लोग हैं जो नहीं खा रहे अपने पेटों में लेकिन आग वलायुकल अल्लाह कयामत के दिन इनसे बात नहीं करेगा वला की हिम और ना इनका तस्किया करेगा वलहम अलीम और इनके लिए दर्दनाक अजाब है अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से बिस्मिल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहन वाला है यादीना

انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم उसने तुम पर मरा हुआ जानवर और लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है हाँ जो नाचार हो जाए बशर्ते के खुदा की नापरमानी न करे और हद जरूरत से बाहर न निकल जाए उस पर कुछ गुना नहीं बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है इसके साथ ही सामने ग्राम आज के दर्श का वक्त अख्ताम को पहुँचा